इस प्रॉब्लम में हमें एक टू डायमेंशनल ट्रस दिया है जिसके कि मेंबर्स में हमें फोर्स और नेचर निकालना है। तो उसको निकालने के तीन मेथड हैं, एक है मेथड ऑफ जॉइंट, एक है मेथड ऑफ सेक्शन और तीसरा है ग्राफिकल मेथड। तो इस प्रॉब्लम को हम मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप कोई सा भी मेथड लगाएं, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन या ग्राफिकल मेथड, अगर आपको ट्रस के मेंबर्स पर फोर्स और नेचर निकालना तो पहले आपको सपोर्ट्स पर रिएक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप जीरो मेंबर ढूंढेंगे, उसके बाद आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए, सपोर्ट्स पर रिएक्शन निकालना सेम प्रॉब्लम का मैं आपको सिखा चुका हूं, किसमें, जब हम सपोर्ट रिएक्शन पढ़े थे उसमें मैंने आपको बोला था कि पहले हम रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एक रिएक्शन आ रही लग रहा है, फिर हम जानते हैं कि हिंज सपोर्ट पे भी दो रिएक्शन मिल सकते हैं, तो वो दो रिएक्शन हम लगा देंगे। उसके बाद हमको आरी निकालना रहता है तो हम इस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, हिंज सपोर्ट के यहाँ पे हम मोमेंट ले लेते हैं। तो सब सिग्मा एम को हम जीरो करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ये इक्वेशन हम सीख चुके हैं कब, जब हमने सपोर्ट रिएक्शन पढ़ा था। तो देखिए, इससे सिग्मा वी को भी जीरो कर लेंगे, सिग्मा एच को भी जीरो कर लेंगे, ये तीन इक्वेशन बना लेंगे। इससे देखिए आपकी RE की वैल्यू, VA की वैल्यू और HA की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे सपोर्ट पे रिएक्शन हम निकाल चुके हैं RE, RE आपका कितना आया यहाँ पे, ये आया 19.24। VA की वैल्यू देखिए, ये हम निकाल चुके हैं, VA कितना आया 9.24। HA देखिए आपका निगेटिव आया, HA यहाँ पे लिखा मैंने निगेटिव 18.48 न्यूटन। तो अगर यही डायरेक्शन आप बना के रखते हैं तो HA को निगेटिव लिख के रखिएगा। अगर आप ये डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, देखिए HA का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया तो नेगेटिव वैल्यू देखिए क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये सपोर्ट पे हमने रिएक्शन निकाल लिया है। इसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, जीरो मेंबर ढूंढेंगे। तो अभी मान लीजिए कि ये आपका जीरो मेंबर होगा, इसको हटा देते हैं, इसको जीरो मेंबर हमने कह दिया। ये जीरो मेंबर केस क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम समझेंगे अलग ही लेक्चर में हम समझेंगे, जिसमें हम खाली जीरो मेंबर निकालना सीखेंगे। आज तो हम सीख रहे हैं मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि पूरा ट्रस आपका इक्विलिब्रियम में है। अगर पूरा ट्रस आपका इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इसका हर एक जॉइंट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। कौन कौन से जॉइंट, जॉइंट ए बी सी डी ई एफ किसमें रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अगर हर एक जॉइंट इसका इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इसके हर एक जॉइंट पे नेट फोर्स जीरो लगेगा। इसका मतलब इसके हर एक जॉइंट पे सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो देखिए, पहले मैं जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। जॉइंट ए, ए पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4। देखिए, जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने अलग से बना लिया है। जॉइंट ए किससे कनेक्टेड है, एफ से, ए किससे कनेक्टेड है, बी से, और यहां पे ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, जिनमें से इन फोर्सेस में देखिए इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम है, इन दोनों का नहीं मालूम है। तो इन दोनों में हम मन से डायरेक्शन एज्यूम करेंगे और नेचर एज्यूम करेंगे। देखिए किस तरीके से, अगर सपोज हमने किसी मेंबर में कॉम्प्रेशन एज्यूम करा, ठीक है, अभी मैं एज्यूम करके आपको बताऊंगा। अगर मैंने किसी में मन से नेचर के एज्यूम करा कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन एज्यूम करने पर उस मेंबर में फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आए तो आंसर में आप कंप्रेशन लिखेंगे, और कंप्रेशन एज्यूम करने पर सपोज उस मेंबर में फोर्स की वैल्यू निगेटिव आए तो आंसर में टेंशन लिखेंगे। और अगर सपोज आपने किसी मेंबर में टेंशन एज्यूम करा, टेंशन एज्यूम करने पर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आए तो आंसर में आप टेंशन लिखेंगे, और टेंशन एज्यूम करने पर फोर्स की वैल्यू निगेटिव आए तो आंसर में आप कंप्रेशन लिखेंगे। तो देखिए, इन दोनों मेंबर में निकालना है। तो देखिए, इस मेंबर में मैंने मन से एज्यूम किया है, इस वाले में मन से क्या एज्यूम किया मैंने, इसमें देखिए मैंने टेंशन एज्यूम करा है। तो हम देखेंगे, टेंशन एज्यूम करा पॉजिटिव आए तो टेंशन लिखेंगे, टेंशन एज्यूम करा नेगेटिव आए तो कंप्रेशन लिखेंगे। अब इस वाले मेंबर में देखिए, एबी मेंबर में, एबी मेंबर में देखिए मैंने कंप्रेशन एज्यूम किया है, तो कंप्रेशन एज्यूम करने पर इसमें फोर्स के लिए पॉजिटिव आए तो आंसर में कंप्रेशन लिखिएगा, कंप्रेशन एज्यूम करने पर इसमें फोर्स के लिए नेगेटिव आए तो आंसर में टेंशन लिखिएगा। अब देखिए, ये वाला जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में, मतलब इस जॉइंट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सिग्मा एच और सिग्मा वी क्या आएगा,
जीरो आएगा। तो देखिए मैंने इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम किया, तो कितना लिखेंगे हम, फोर्स इन एफ माइनस फोर्स इन ए बी कॉस 45 माइनस 18.48 इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें तो दो इक्वेशन है, तो इससे तो फोर्स इन एफ और फोर्स इन ए बी नहीं निकल पाएगा। अब हम सिग्मा वी को जीरो करेंगे, तो ये इक्वेशन बन गए, इसमें एक ही अननोन है, तो फोर्स इन ए बी आपका आ जाएगा। हम देखेंगे कि फोर्स इन ए बी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। देखिए फोर्स इन ए बी आपका पॉजिटिव आएगा और इसमें फोर्स इन ई एफ भी आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब इन दोनों में आपने जो नेचर एज्यूम करा वो सही है, मतलब ई बी में कंप्रेशन ही होगा और ई एफ में आपका टेंशन ही होगा। तो हम आंसर लिखेंगे अपना, फोर्स इन ए बी इज इक्वल टू 13.06 न्यूटन का कंप्रेशन, कंप्रेशन एज्यूम किया था पॉजिटिव है, कंप्रेशन लिख दिया। अब फोर्स इन ई एफ देखिएगा, हमने लिखा फोर्स इन ई एफ इक्वल टू 27.7 न्यूटन का टेंशन, टेंशन एज्यूम करा था पॉजिटिव आई तो टेंशन लिख दिया। तो जरूरी नहीं कि आप एक में कंप्रेशन एज्यूम करें एक में टेंशन, आपका मन करे आप दोनों में कंप्रेशन एज्यूम करें, दोनों में टेंशन एज्यूम करें, आप इसमें टेंशन एज्यूम करिए इसमें कंप्रेशन एज्यूम करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर तो आपका सेम ही आएगा। हो सकता है आपके सिग्मा एच सिग्मा वी की इक्वेशन चेंज हो जाए, कहीं पे प्लस आ जाए कहीं पे माइनस, हो सकता है फोर्स इन ए बी और फोर्स इन ई एफ की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ इस तरीके की आ जाए, लेकिन फाइनली आपको आंसर यही मिलेगा। अब हम अगले जॉइंट का, अब तो हम लोगों ने किसमें निकाल लिया, इन दो मेंबर में फोर्स निकाल लिया, देखिए इन दोनों में बन गया। अब हम अगले जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब हम किसका एफबीडी बना रहे हैं, सपोज बी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। देखिए इसको एक तो मैं आपको देखते सही आंसर निकालना पहले सिखाता हूं, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए यहां पे प्लस बन रहा है, यहां पे प्लस बन रहा है मतलब जितना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है। देखिए AB में आपने कितना निकाला, 13.06 न्यूटन का कंप्रेशन, तो यहां पे भी 13.06 न्यूटन का कंप्रेशन आएगा। यहां पे 12 न्यूटन का कंप्रेशन लग रहा है तो इसमें भी 12 न्यूटन का कंप्रेशन आएगा। तो ये तो हमारे समझने के लिए है। तो देखिए हम इसको करते कैसे हैं, हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो बी एफ से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, बी पे 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक ए से कनेक्टेड है। तो ए बी में आप पहले निकाल चुके हैं, क्या निकाला आपने, 13.06 न्यूटन का कंप्रेशन, तो इसमें आप कंप्रेशन पहले बना देंगे। हम जानते हैं कि कंप्रेशन डायरेक्शन किधर बनाते हैं, हम जिस जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उस जॉइंट की तरफ जाता हुआ हम कंप्रेशन बना देते हैं। हम बी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि बी से सब कनेक्टेड है, तो कंप्रेशन का डायरेक्शन इसमें 13.06 न्यूटन का इसकी तरफ जाता हुआ हम बना देंगे। अब इन दो मेंबर में हमको फोर्स और नेचर पता करना है, ये दोनों अननोन मेंबर्स हैं, तो पहले इनमें अपन एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए बीसी मेंबर में मैंने मन से क्या एज्यूम किया है, इसमें मैंने मन से टेंशन एज्यूम करा है। टेंशन एज्यूम करने पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो टेंशन लिखेंगे, टेंशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आएगी तो कंप्रेशन लिखेंगे। अब बीएफ मेंबर में भी हम एज्यूम कर लेते हैं, तो बीएफ मेंबर में देखिए मैंने मन से क्या एज्यूम किया है, कंप्रेशन एज्यूम करा है। कंप्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आंसर में कंप्रेशन लिखेंगे, और कंप्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आएगी तो आंसर में टेंशन लिखेंगे। अब यहां पे मैं रेफरेंस लाइन को इंक्लाइंड लाइन ले लेता हूं, तो मैं देखूंगा अलोंग दिस इंक्लाइंड लाइन कितने फोर्स लग रहे हैं और परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड लाइन कितने फोर्सेस लग रहे हैं। यहां पे प्लस बन रहा है, तो देखिए हम सिग्मा एच को जीरो किए, तो 13.06 प्लस फोर्स इन बीसी इज इक्वल टू जीरो। अब सिग्मा वी को जीरो करें, फोर्स इन बीएफ माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो देखिए इससे अपनी वैल्यू आ गई, फोर्स इन बीसी निगेटिव आई। देखिए फोर्स इन बीसी जब निगेटिव आएगी तो निगेटिव वैल्यू हमको ऊपर पुट करना रहता है दूसरे अननोन की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे तो एक ही अननोन से, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और फोर्स इन बीएफ की वैल्यू क्या है, प्लस 12। बीसी निगेटिव आ रहा है, बीसी में आपने क्या एज्यूम किया था, टेंशन, वैल्यू निगेटिव आ गई तो आंसर में हम कंप्रेशन लिखेंगे। तो देखिए हम लिख रहे हैं फोर्स इन बीसी 13.06 न्यूटन का कंप्रेशन। अब बीएफ मेंबर में फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आपने कंप्रेशन एज्यूम करा वैल्यू पॉजिटिव आए तो आंसर में कंप्रेशन ही लिखेंगे। तो फोर्स इन बीएफ इज इक्वल टू 12 न्यूटन का कंप्रेशन। तो यहां पे हमने क्या एज्यूम करा, वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई निगेटिव आई, उससे हमको बाद में कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब हमको खाली इससे रहता है कि किस मेंबर में कंप्रेशन आएगा और किस मेंबर में टेंशन आएगा। तो
तो देखिए हमने किस दो मेंबर में निकाल लिया, हमने इन दो मेंबर में निकाल लिया। तो देखिए ये दोनों में भी हमको पता चल गया। अब हम अगले जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए अब मैं जॉइंट ई का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो ई पे तीन फोर्स लग रहे, एक दो तीन, क्योंकि ई तीन जगह कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड, और इस पे फोर्स भी लग रहा है। इसको देखिए मैं अलग से बना लेता हूं। ई जॉइंट है, डी से कनेक्टेड है, एफ से कनेक्टेड है, और यहां पे वर्टिकल फोर्स लग रहा है, और इसका एंगल हमको मालूम है 45 डिग्री। अब इसमें तीन फोर्स लग रहे हैं जिनमें से एक का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम है, दो का नहीं मालूम है। तो अब दो में क्या करेंगे, मन से एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कंप्रेशन या टेंशन। तो देखिए मैंने यहां पे एज्यूम करा, इसमें देखिए मैंने क्या एज्यूम किया, कंप्रेशन। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर में कंप्रेशन लिखेंगे, निगेटिव है तो आंसर में टेंशन लिख देंगे। इसमें देखिए मैंने क्या एज्यूम किया, इसमें मैंने टेंशन एज्यूम करा, क्योंकि इसका डायरेक्शन ई से दूर जाता है और इसका डायरेक्शन ई की तरफ आता हुआ है। तो टेंशन में डायरेक्शन हम जॉइंट से दूर जाता हुआ बनाते हैं और कंप्रेशन में डायरेक्शन हम जॉइंट की तरफ आता हुआ बनाते हैं। तो इसमें हमको मालूम नहीं है कि टेंशन होगा या कंप्रेशन, हमने तो टेंशन एज्यूम कर लिया। अगर इसमें फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आए तो आंसर में हम टेंशन लिखेंगे और नेगेटिव आए तो आंसर में कंप्रेशन लिख देंगे। अब ई जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में, तो ई जॉइंट पे सिग्मा एच और सिग्मा बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। देखिये मैंने इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलजेब्रिक सम जीरो किया, हमने लिखा फोर्स इन डीई कॉस 45 माइनस फोर्स इन ईएफ इक्वल टू जीरो। अब हमने इनके वर्टिकल कंपोनेंट अलजेब्रिक सम जीरो किया, ऊपर कितना लग रहा है 19.24, नीचे कितना लगेगा फोर्स इन डीई साइन 45। तो इससे देखिए फोर्स इन डी आ जाएगा प्लस 27.2 न्यूटन, फोर्स इन ईएफ आ जाएगा प्लस 19.24 न्यूटन। DE की वैल्यू पॉजिटिव आए, इसमें मतलब कंप्रेशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आए मतलब इसमें कंप्रेशन ही होगा। इसमें टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आए मतलब इसमें टेंशन ही होगा। तो हम आंसर लिखेंगे फोर्स इन DE 27.2 न्यूटन का कंप्रेशन। अब दूसरा लिख रहे हैं फोर्स इन EF इक्वल टू 19.24 न्यूटन का टेंशन, क्योंकि टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव आए इसलिए हमने टेंशन लिख दिया। अब हम अगले जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए हमने किसमें निकाल लिया, अभी फोर्स इन दोनों में निकाल लिया है, ये दोनों हमारे नोन हो गए, एक इसमें भी पता चल गया और इसमें भी पता चल गया है। अगले जॉइंट को हम देखते हैं, इनको हटा देते हैं। अब देखिए मैं जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो देखिए अगर हम देखते से हमको बताना है तो ये देखिए एक ही लाइन में लग रहा है, ये तो जीरो मेंबर, इसको लेना नहीं है। अब डी जॉइंट पे दो फोर्स लग रहे, दोनों एक ही लाइन में लग रहे, मतलब जितना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा। तो डीई में आपने निकाला था 27.2 न्यूटन का कंप्रेशन, तो इस जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इसमें भी 27.2 न्यूटन का कंप्रेशन आएगा। ये तो हमने देखते से बना दिया। कैसे बनाए, अगर चार फोर्स लगे किसी जॉइंट पर प्लस बने, या दो फोर्स लगे किसी जॉइंट पे और दोनों एक ही लाइन में लगे, चार लग रहे हैं तो जितना इसमें आएगा उतना इसमें, जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा, और दो लगेंगे तो जितना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा। हम निकालेंगे कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, डी का एफबीडी बना देंगे। डी आपका सी से कनेक्टेड है और डी आपका ई से कनेक्टेड है। तो डीई में आप पहले निकाल चुके हैं 27.2 न्यूटन का कॉम्प्रेशन, तो इसमें फिर से आप डायरेक्शन एज्यूम नहीं करेंगे, कॉम्प्रेशन बना देंगे। आप जानते हैं कि कॉम्प्रेशन का डायरेक्शन कैसा बनाते हैं, ज्वाइंट की तरफ जाता हुआ। किस जॉइंट की तरफ जाता हुआ, जिसका कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो हमने देखे डी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, अब इसमें निकालना है तो इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं, देखिए इसमें मैंने मन से क्या एज्यूम किया, टेंशन। अगर टेंशन एज्यूम करने पर इसमें फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आंसर में टेंशन लिखेंगे, और टेंशन एज्यूम करने पर फोर्स की वैल्यू निगेटिव आएगी तो आंसर में कॉम्प्रेशन लिखेंगे। अब देखिए मैं इनका सिग्मा एच जीरो कर रहा हूं, तो माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू ये वाला माइनस फोर्स इन सी डी इक्वल टू जीरो। तो देखिए फोर्स इन सी डी की वैल्यू आपकी निगेटिव आए, मतलब इसमें टेंशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। तो हम आंसर में लिखेंगे फोर्स इन सी डी इक्वल टू 27.2 न्यूटन का कॉम्प्रेशन। अगर आप इसमें कॉम्प्रेशन एज्यूम किए होते तो फोर्स इन सी डी की वैल्यू पॉजिटिव आई होती, मतलब इसमें कॉम्प्रेशन ही हुआ होता। अब हमने इस वाले मेंबर में भी निकाल लिया, ये देखिए निकाल लिया। अब इसको हम हटा के नए मेंबर में निकालते हैं। अब इसमें देखिए आपको एक ही अननोन मेंबर नजर आ रहा है, कौन सा, सी एफ।
तो आइदर हम सी का एफवीडी बनाए तब भी सीएफ में आ जाएगा, एफ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तब भी सीएफ में आ जाएगा। तो देखिए पहले मैं सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस मेंबर में आपको निकालना बताऊंगा। तो सी देखिए कितने मेंबर से कनेक्टेड, एक दो तीन, और इस पे फोर्स भी लग रहा है, मतलब इस पे चार फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सी का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सी डी से कनेक्टेड है, सी एफ से कनेक्टेड है, सी बी से कनेक्टेड है, और सी का ये एंगल हमको मालूम है, ये आपका कितना है 45 डिग्री। तो सी पे देखिए 10 न्यूटन नोन है और इन दोनों में भी फोर्स आपको पता है, ये दोनों भी आपके नोन है, ठीक। तो जिनमें नोन है उसमें हम बना देंगे, फिर से हम एज्यूम नहीं करेंगे, अननोन एक ही है। तो देखिए नोन किसमें है अपना, बीसी में और सीडी में है, देखते हैं अपन। तो देखिए एंगल बना दिया, देखिए बीसी, बीसी में कितना नोन है, 13.06 न्यूटन का कॉम्प्रेशन। तो बीसी ये है, इसमें कॉम्प्रेशन हो रहा है, हम सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो देखिए कॉम्प्रेशन का डायरेक्शन मैंने सी की तरफ जाता हुआ बना दिया है, कितने का 13.06 न्यूटन का। सीडी में भी हम पहले निकाल चुके हैं, देखिए सीडी में हमने क्या निकाला है, 27.2 न्यूटन का कॉम्प्रेशन, इसमें भी कॉम्प्रेशन हो रहा है, मतलब इसमें भी हम डायरेक्शन बना देंगे, किसकी तरफ जाता हुआ, सी की तरफ जाता हुआ, उस ज्वाइंट की तरफ जाता हुआ जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो कॉम्प्रेशन का डायरेक्शन हमेशा ज्वाइंट की तरफ जाता हुआ बनता है, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ज्वाइंट से दूर जाता हुआ बनता है, किस ज्वाइंट से, जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे सी का ही फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है, ये कैसे पता चला, क्योंकि सी से बी कनेक्टेड है, सी से एफ कनेक्टेड है, सी से डी कनेक्टेड है, सी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिससे सब कनेक्टेड रहते हैं हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए इसमें निकालना है तो इसमें हमको मन से एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें मैंने मन से क्या एज्यूम किया है, इसमें देखिए मैंने मन से टेंशन एज्यूम करा है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो आंसर में हम टेंशन ही लिखेंगे, और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आए तो आंसर में हम कंप्रेशन लिखेंगे। तो देखिए हमने सिग्मा वी को जीरो करा, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो देखिए ऊपर कितना लगेगा, 13.06 साइन 45 प्लस 27.2 साइन 45 माइनस नीचे लगेगा फोर्स इन सीएफ इक्वल टू जीरो। तो इससे देखिए सीएफ में वैल्यू आ जाएगी, सीएफ कितना आएगा, प्लस 28.5 न्यूटन। तो सीएफ की वैल्यू पॉजिटिव है, आपने टेंशन एज्यूम करा, वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इसमें टेंशन ही होगा। हम आंसर में अपना क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फोर्स इन सीएफ 28.5 न्यूटन का टेंशन। अगर टेंशन एज्यूम करने पर इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाती तो आंसर में हम कंप्रेशन लिख देते। तो देखिए हमने सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के सीएफ मेंबर में फोर्स और उसका नेचर निकाल लिया। अब देखिए अब हम मैं आपको एफ का फ्री बॉडी डायग्राम बना के सीएफ मेंबर में फोर्स और उसका नेचर निकालना बताऊंगा। जरूरी नहीं है आपका सी से आंसर आ गया तो आपको एफ के बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने कंसेप्ट बना रहे हैं, इसलिए मैं दोनों साइड का फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाऊंगा। तो देखिए मैं एफ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ये देखिए एफ का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो एफ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो 20 न्यूटन का, एक आपका ई एफ, एक आपका बी एफ, एक आपका सी एफ जो आपको निकालना है, और ये जो डी एफ है ये तो जीरो मेंबर है, इसको लेना ही नहीं है अपने को, और ये आपका ई एफ, हम जीरो मेंबर पढ़ेंगे, इसको अलग से ही समझेंगे। तो देखिए अभी F का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये F हो गया, F कनेक्टेड है E से, F कनेक्टेड है C से, F कनेक्टेड है B से, F कनेक्टेड है A से, F पे एक फोर्स लग रहा है, F का एंगल भी निकाल लेते हैं, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो देखिए यहां पे एक ही अननोन है, ये अननोन है, इसमें नोन है, इसमें नोन है और इसमें नोन है, तो हम इनमें क्या करेंगे, फोर्सेस को बना देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए पहले इन तीनों में किसको मालूम है अपने को, फोर्स इन ईएफ हमको मालूम है कितना है, 27.7 न्यूटन का टेंशन, इस पर टेंशन आ रहा है, तो टेंशन तो हम जॉइंट से दूर जाता हुआ बनाते हैं, किस जॉइंट से, जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए इसमें टेंशन बना दिया। अब अगला कौन सा मेंबर, ईएफ, ईएफ मेंबर में भी हम निकाल चुके हैं, इस मेंबर में कितना निकाला, 19.24 न्यूटन का टेंशन, तो इसमें भी देखिए हम टेंशन बना देते हैं, इसको भी देखिए मैंने जॉइंट से दूर जाता हुआ बना दिया, दोनों में टेंशन आ रहा था, दोनों को मैंने जॉइंट से दूर जाता हुआ बना दिया, टेंशन में क्या करते हैं, जॉइंट से दूर जाता हुआ बनाते हैं। अब बीएफ मेंबर में देखिएगा, बीएफ मेंबर में हम निकाल चुके हैं 12 न्यूटन का कॉम्प्रेशन, इसमें तो कॉम्प्रेशन आ रहा है, तो कॉम्प्रेशन का डायरेक्शन किधर बनाते हैं,
ज्वाइंट की तरफ जाता हुआ, किस ज्वाइंट की तरफ जाता हुआ, जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। अब इसमें देखिए, जिनमें टेंशन आ रहा था उसको ज्वाइंट से दूर जाता हुआ बना दिया, जिसमें कंप्रेशन आ रहा था उसको मैंने ज्वाइंट की तरफ आता हुआ बना दिया। अब एक ही अननोन आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर पता करना है। अब देखिए, इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा पहले मन से। तो देखिए, इसमें मैंने मन से क्या एज्यूम करा, इसमें मैंने मन से टेंशन एज्यूम करा। कैसे पता चला कि इसमें मैंने टेंशन एज्यूम करा, क्योंकि इसका डायरेक्शन एफ से दूर जाता हुआ मैंने बनाया है। अब ये इक्विलिब्रियम में तो मैं सिग्मा वी को जीरो कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, फोर्स इन सी एफ आ जाएगा। ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो ऊपर कितना लग रहा है, फोर्स इन सी एफ लग रहा है। नीचे कितना लग रहा है, 12 साइन 45 प्लस 20 आपका नीचे लग रहा है इक्वल टू जीरो। तो इससे भी देखिए फोर्स इन सी एफ उतना ही आया जितना इससे आया था। यहां पे भी आपने टेंशन एज्यूम करा था और यहां पे भी आपने टेंशन एज्यूम करा है, और दोनों से वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए आंसर लिखेंगे फोर्स इन सी एफ इक्वल टू 28.5 न्यूटन का टेंशन। तो हमारा इसमें भी फोर्स और उसका नेचर पता चल गया।